गुज़श्ता दिनों में मियांवाली में एक दरिंदा सिफत इंसान ने कारनामा अंजाम दिया है, उसे देखकर पूरी दुनिया शर्म से झुक गई है। दुनिया के लोगों को परेशान कर दिया है। रात दिन के बच्चे को 4 या 5 गोलियां मारकर कत्ल कर दे, शहीद कर दे। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान को उसने गोया शर्मिंदा कर दिया, मुसलमानों को शर्मिंदा कर दिया। احمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما وقال الله تبارك وتعالى واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت صدق الله العظيم। इंतहाई काबिल एहतराम सामईन और नाज़रीन किराम, कुरान करीम की इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत काबिला को बयान फरमाया है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जिसको वो चाहते हैं बेटियां अता फरमाते हैं, जिसको चाहते हैं बेटे अता फरमाते हैं, और जिसको वो चाहते हैं दोनों अता फरमाते हैं, और जिसको चाहते हैं कुछ भी नहीं देते यानी बांझ कर देते हैं। कुरान करीम की इन आयात से रब्बुल आलमीन की कुदरत का पता चलता है कि बेटियां देना या बेटा देना किसी इंसान का कमाल नहीं, किसी इंसान के बस की बात नहीं, बल्कि ये रब्बुल आलमीन की अपनी अता है। बेटियां रहमत होती हैं और बेटा नियामत हुआ करता है, लेकिन आज के माशरे और माहौल में मगरिब ज़दा लोग और मगरिबी सकाफत से मुतासिर किस्म के लोग बेटियों को कमतर समझते हैं, बेटियों को नीच समझते हैं, और बेटियां पैदा होना नहुसत तसव्वुर करते हैं। ये सरासर जहालत है, इस्लाम से दूरी है, दीन से दूरी है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से दूरी है। जबकि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियाँ थीं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले बेटा अता नहीं फरमाया, बेटी अता फरमाई। आपकी 4 बेटियां हैं और 3 बेटे हैं, और ये भी आपको मालूम है कि चारों बेटियां जिंदा रहीं, उनकी शादियां हुईं और बेटे बचपन में ही फौत हो गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बतला दिया कि अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रब्बुल आलमीन ने बेटियों का इंतखाब फरमाया और बेटियों को रहमत करार दिया। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 3 बेटियों की परवरिश की और उन्हें पाला, उनकी परवरिश करके उनकी तरबियत की, और जब वो जवानी को पहुंची तो उनकी शादियां कर दी, तो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन जन्नत में वो शख्स मेरे साथ इतना करीब होगा। आपने 2 उंगलियों का इशारा फरमाया कि जिस तरह ये 2 उंगलियां करीब हैं बेटियों के साथ, मोहब्बत करने वाला, शफ़क़त करने वाला, रहमत की नज़र से देखने वाला और उनकी तरबियत करने वाला, वो इतना ही मेरे करीब होगा। कल गुज़श्ता दिनों में मियांवाली में एक दरिंदा सिफत इंसान ने जो कारनामा अंजाम दिया है, उसे देखकर पूरी दुनिया शर्म से झुक गई है। दुनिया के लोगों को परेशान कर दिया है कि इस इतना भी कोई शक्ल कल्ब और बदबख्त इंसान हो सकता है कि जो 7 दिन के बच्चे को 4 या 5 गोलियां मारकर कत्ल कर दे, शहीद कर दे और उसे ख़त्म कर दे। गोया कि उसने एक बच्चे को नहीं तड़पाया, उसकी माँ को भी तड़पाया और पूरे पाकिस्तान की माओं को तड़पाया और आलम इस्लाम की माओं को तड़पाया, और अल्लाह तबारक व तआला के कहर को और अजाब को उसने दावत दी है। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान को उसने गोया शर्मिंदा कर दिया, मुसलमानों को शर्मिंदा कर दिया। ऐसे बदबख्त इंसान को करारे वापस सजा होनी चाहिए, और हमें मगरिब से मुतासर होने के बजाय, मगरिबी सकाफत से मुतासर होने के बजाय इस्लाम से मुतासर होने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा सिद्दीक़ा कायनात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो भी एक बेटी हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जो जन्नत के खातूनों की ख़वातीन की सरदार है, वो फातिमा, वो भी एक बेटी है। और बेटी की
बेटी की क्या शान है कि जो बेटी अल्लाह तबारक वताला ने दुनिया में भेजा, उसी के पेट से, उसी के बतन से अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए, उन्हीं के बतन से ये बेटी ही है जो माँ बनती है। मेरे आका सल्लम ने फरमाया कि औरत की चार हैसियतें हैं, औरत अगर बेटी है तो वो तेरे लिए रहमत है, औरत अगर बहन है वो तेरी इज्जत है, औरत अगर तेरी बीवी है तो इसका खर्चा, इसका इंतजाम तेरे जिम्मे वाजिब है, और औरत अगर माँ है तो उसके कदमों में जन्नत है। औरत ही वो ज़ात है कि जिसके कदमों में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत करार दिया है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इस्लाम को फॉलो करें, शरीयत को देखें और अपने असलाफ को देखें कि उनका क्या तरीक़ेकार था। ये मगरबी जहन और मगरबी सकाफत को दूर कर दें ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात जो हैं वो हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में रोनुमा ना हो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब्बे करीम हम सबको बेटियों पर शफकत करने की, रहमत की नज़र से देखने की तौफीक अता फरमाए। वाफिर दावाना।